मनुष्य सभ्यता के शीर्ष पर पहुंच गया, वह विज्ञान युग में आ पहुंचा। विज्ञान ने अनेक करिश्मे दिखाए, जिनमें से हरित क्रांति के बाद प्लास्टिक की खोज एवं उसके नानाविध प्रयोग सम्मिलित हैं। किसी भी एक आविष्कार के बाद उसके प्रयोग से बने उत्पाद कभी कभी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। प्लास्टिक उनमें से एक है। विगत एक दशक से प्लास्टिक से बनी वस्तुओं, विशेषकर पॉलिथीन थैलियों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण में जो वृद्धि हुई और पॉलिथीन की थैलियों को खाने से मवेशियों की जिस तरह मृत्यु होने लगी, उससे न केवल हमारे प्रशासक एवं वैज्ञानिक चौकन्ने हुए अपितु सामान्य कृषक एवं व्यवसाय भी विचलित जान पड़े। मेलों एवं धार्मिक आयोजनों के समय प्लास्टिक सामग्री से बनी थालियों, गिलासों, प्यालों, थैलियों से हर शहर की नालियां भरने लगी। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी पॉलिथीन की वस्तुएं छितरी दिखाई पड़ने लगी। इस पॉलिथीन प्रदूषण के निराकरण हेतु आम जनता ने इन वस्तुओं को जलाने का मार्ग अपनाया। उन्हें इसकी खबर कहाँ की, प्लास्टिक जलने से जो कैसे निकलेंगी, वे मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों के लिए तो हानिकारक है ही, इनसे वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। बड़े बड़े मेलों में, नदियों में, स्नान पर्वों पर इतना प्लास्टिक इस्तेमाल के बाद बिखरा पड़ा रहता है कि जिसको एकत्र करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। अतः यह सारा प्लास्टिक पुनः नदियों में जा मिलता है या फिर खेतों में उड़ उड़कर बिखरा रहता है। बरसात के बाद जुताई के समय यह मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में वातन को बुरी तरह प्रभावित करता है। यह प्लास्टिक दीर्घकाल तक मिट्टी में पड़ा रहता है क्योंकि यह जैव अपघटनीय नहीं है, अर्थात मिट्टी के सूक्ष्म जीव प्लास्टिक का विघटन नहीं कर पाते। अच्छा होता कि इसे पहले ही बिनकर कबाड़ियों के हाथ बेच दिया जाए, जो इसे प्लास्टिक को उपयोगी बनाने में बदल देने का कार्य करते हैं। अभी तक जो प्लास्टिक द्वारा पर्यावरण के प्रदूषित होने की खबरों से प्रबुद्ध नागरिक आशंकित थे, अब पेयजल में प्लास्टिक के नैनो कणों की उपस्थिति और उससे उत्पन्न होने वाले रोगों के समाचार ने प्रत्येक नागरिक को सतर्क कर दिया है, किंतु उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह ज्ञात किया कि हर बार जब हम भोजन करने बैठते हैं तो भोजन के साथ हमारे पेट में प्लास्टिक के 100 से अधिक नैनो कण पहुंच जाते हैं। हम अनजान बने रहते हैं। इस तरह हर व्यक्ति प्रतिवर्ष औसतन 68,415 प्लास्टिक नैनो कण निकल जाता है। प्लास्टिक के सूक्ष्म कण न केवल भोजन से हमारे शरीर में पहुंचते हैं, बल्कि ये सूक्ष्म कण पर्यावरण से हर जगह पहुंच जाते हैं, जिससे सांस लेते समय ये हमारे फेफड़ों में संचित होते रहते हैं। यही नहीं, हमारे घरों की धूल में भी ये कण विद्यमान रहते हैं। ये फर्श पर बिछी कालीन, कार्टन, पैकेजिंग, सोफे, कुर्सी या पहनने वाले कपड़ों में भी हो सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते। स्पष्ट है कि प्लास्टिक का प्रदूषण मात्र प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग से नहीं होता, अब यह सर्वव्यापी बन चुका है। अतः इसका समाधान होना आवश्यक है। प्रतिवर्ष 300 मिलियन टन प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए बनाया जाता है। समुद्र में 150 मिलियन टन कचरा जमा है। 2025 तक समुद्र में प्लास्टिक कचरे की मात्रा समुद्री मछलियों की संख्या से ज्यादा होने का अनुमान है। एक समाचार के अनुसार समुद्री जीवों के शरीर में इतना प्लास्टिक जमा हो गया है कि जो लोग समुद्री भोजन करते हैं वह उनके शरीर में पहुंच जाता है। आइए इसके समाधान पर विचार करते हैं। आम जनता को प्लास्टिक की बनी बोतलों, जारों, थैलियों में
पानी संचित करने, दूध संचित करने या गर्म चाय भरकर इधर उधर ले जाने तथा इन बोतलों में पानी पीने से मना करना होगा। चाय पीने के लिए प्लास्टिक के पात्र के स्थान पर मिट्टी के पात्रों का इस्तेमाल करने पर बल देना होगा। इसी तरह प्लास्टिक की पतली थैलियों को उपयोग के बाद इधर उधर फेंकने से जो दुष्परिणाम होते हैं उनसे अवगत कराने के लिए सरकारी प्रयास होते रहे हैं, किंतु जन जागरूकता इन दिशा में ज्यादा कारगर होगी। मुख्य समस्या यह है कि अभी तक प्लास्टिक उपयोगकर्ताओं को यह पता नहीं है कि प्लास्टिक का पुनर्चक्रण ही होना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने के बजाय इसके पुनर्चक्रण हेतु प्लास्टिक को कबाड़ियों के हाथ बेचकर कुछ अर्थोपार्जन भी किया जा सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक के ताप अपघटन से वाष्पशील एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक तथा पेट्रोल तैयार किया जा सकता है। मदुरे के नवाचारी प्रोफेसर राव गोपाल वासुदेव ने प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर सड़कों के निर्माण की तकनीक का विकास किया, जिसे उन्होंने बिना कोई मूल्य के लिए सरकार को सौंपा। इस तकनीक का उपयोग 11 राज्यों में 500 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण में किया जा रहा है। अतः प्लास्टिक के निपटान की ऐसी विधि खोजी जानी है जो प्लास्टिक की थैलियों या अन्य वस्तुओं को उपयोग के बाद बाहर फेंके जाने के बजाय घर पर ही उसका संचय किया जाए, और जब प्लास्टिक की मात्रा अधिक हो जाए तो दरवाजे दरवाजे कबाड़ियों की आवाज देते ट्रॉली वालों को रोक कर बेच दिया जाए या मुफ्त दे दिया जाए। इससे प्लास्टिक का सुचारू संचय हो सकेगा और रद्दी प्लास्टिक चक्रण के किन्हीं अन्य उत्पादों में परिणत हो जाएगा। ऐसा एंजाइम खोजा जाए जो प्लास्टिक को नष्ट करें।